ये जर्नी एक बड़ा इंटरेस्टिंग जर्नी था मेरा। आज भी सोचता हूँ, एक ख्वाब सा लगता है कि 2000 रुपए से एक सफर शुरू हुआ। फिल्मी स्टोरी टाइप लगती है कि जब 30-30 हज़ार डॉलर्स पर डे आना शुरू हुआ बाय सेलिंग ऑन अमेज़न, दिस इज द क्रेजीनेस। 2000 से 50 लाख पर डे का सफर ऑलमोस्ट 5 से 6 साल में। ये जो आइडिया यही था शुरू में कि अपने लोगों को किस तरह से इनेबल किया जाए। इनेबलर्स पाकिस्तानी कंपनी है ऑब्वियसली, बट नाउ वी हैव गॉन इंटरनेशनली। सो आइडिया यही था कि हम लोग एक ऐसी कंपनी इस्टेब्लिश करें कि हर शहर में हम लोग मौजूद हों, जिसमें से ई कॉमर्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए लोगों को। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हमें भी आते हैं कि जी मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं कैसे साथ साथ अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर सकता हूँ। हम ये कहते हैं कि जरूर डिग्री साथ साथ करते रहें, लेकिन एक पैसिव इनकम का माइंडसेट भी साथ साथ बनाएं। अपना काम कैसे कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड कैसे बन सकते हैं। United Nation has shortlisted us. Government of Punjab has collaborated with us because it's a win-win for everyone. Enabler is not a one-man show. अमेजोन पे काम यानी कि स्टार्ट किया, आई एम हैप्पी विद दैट, आई एम गेटिंग मोर देन दैट मनी। आई वॉज वन ऑफ द फ्यू लकीएस्ट के जिनको साकिब अज़र की मेंटरशिप मिली। आई वॉज रियली इंस्पायर्ड के मींस बड़ा अच्छा नॉलेज है और दे लव टू हेल्प पीपल। साकिब साहब इनेबल देम एंड दे आर इनेबलिंग नाउ। हर कंपनी ने मुझे यही कहा कि फीमेल्स बिजनेस नहीं कर सकती, मैं स्टेबल रही, यू हैव टू बी स्ट्रांग। Enablers are making a real philanthropic effort. काफी हेल्प हुई है, काफी ऑर्गेनाइज्ड है, ट्रेनर्स आर वेल इक्विप्ड। इट्स रियली नाइस फॉर द बिजनेस। दे आर गिविंग वेरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, हमें अवेल करनी चाहिए। ये हमारा मिशन है कि पाकिस्तान में हम लोग एटलीस्ट 2 लाख ई कॉमर्स के बिजनेसेस क्रिएट करें और उनके थ्रू ही हम 2 मिलियन जॉब्स को क्रिएट करें। एक पूरा इकोसिस्टम नेटवर्क बनना चाहिए, बिकॉज ये फ्यूचर है और पाकिस्तान का नाम जोड़ा जाए ई कॉमर्स से।